गुड इवनिंग। कल का मार्केट जितना वीक था आज का उतना ही स्ट्रांग। कल के इवनिंग अपडेट में सिंगल व्यू देखे गए थे कि आज का और आने वाले कल के दिन की बात करें मार्केट यहां से स्ट्रांग रह सकता है। आज के दिन आप समझ सकते हो यहां से एडीआर रेशियो के फॉर्म में 1000 से जो ऊपर शेयर थे वो एडवांस में रहे एंड डिक्लाइन की बात करें 697। बड़े ही दिनों के बाद ऐसा एडीआर रेशियो को देखने को मिल रहा है, इसे आप काफी अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद अगर इंडेक्स के ऊपर नजर डालें सारे के सारे इंडेक्स अगर रफली बात करें 0.5% के आसपास सभी में तेजी रही, लेकिन ये जो इंडेक्स है ना एक्चुअल गेन तो कहीं और था। जरा एक दफा आपने परसों का अगर आपने जो फार्मा इंडेक्स है उसके ऊपर नजर डालोगे, परसों की बात कर रहे हैं, उस दिन 5% का उसमें करेक्शन आया था। मतलब फार्मा के जितने भी शेयर है उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई अच्छी खास है। और आज क्या हुआ है, मेटल के इंडेक्स में 5% की तेजी है। मतलब पैसा कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है आप उस चीज को समझ पाएंगे आगे आगे इस वीडियो में, हम जब मूव करेंगे बाकी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें एसजेएक्स निफ्टी, इस वक्त आपको 800 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास दिखाई दे रहा है। कैक डेक्स फुटसे में सभी जगह तेजी है, ऑलमोस्ट 0.5% से 1% के आसपास। कल के मार्केट कैसा रह सकता है वो भी बात करेंगे इसी वीडियो के चार्ट में। और कौन रहे आज के दिन निफ्टी के टॉप गेनर आपके सामने, हिंडालको, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, ये वो शेयर हैं जिनमें गजब की तेजी आज के दिन थी। अगर आप ठीक से इस चीज को समझ पाएंगे सेक्टर रोटेशन को, परसों जैसे हमारी बात हो रही कि फार्मा से पैसा निकल के आ रहा है आपके सामने सब कुछ हो रहा है और मेटल में आ रहा है, और मेटल में हिंडालको, टाटा स्टील, सेल जितने भी हैं सभी में 5-5, 6-6% की मिनिमम तेजी थी आज के दिन। वहीं बात करें टॉप लूजर के मारुति सुजुकी, इसके जब से रिजल्ट आए हैं तब से इसमें प्रेशर देखा गया, और वैसे भी ऑटो सेक्टर तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा बड़े ही लंबे टाइम से। पावर ग्रिड, आईटीसी, बजाज ऑटो, ये थे टॉप लूजर आज के। इन सब के बाद फोकस करें इंडिया विक्स के ऊपर। आज के दिन कूल ऑफ हुआ है, 5% से ऊपर कूल ऑफ हुआ है, अभी भी हमारे लिए काफी कंफर्टेबल है, तो एज ऑफ नाउ को टेंशन की बात उतनी है नहीं। फोकस करते हैं टाटा स्टील के ऊपर। टाटा स्टील किस लेवल से आप सभी का शेयर हुआ था ना, ऑलमोस्ट 20% प्लस जा चुका है। अपने अपने टाइम हॉरिजन के हिसाब से इसमें ट्रेलिंग या फिर इसको हम होल्ड करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हाँ, इसकी बात करें अगर शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात करें 1500 के आसपास इसका एक फर्स्ट टारगेट निकल के आ जाता है। अगर आपने पहले हमारे साथ इसको लिया हुआ है तो आप इस तरह से यहां से जिस भी टाइप के ट्रेडर है यहां से उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग रन में अभी भी इसका टारगेट बहुत दूर है। तो ये तो है जो हमारे पोर्टफोलियो में बड़ा ही अच्छे से रिटर्न दे रहा है। वहीं बात करें हिंडालको, हिंडालको की एक चीज दिखाते हैं। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे हिंडालको कब रिकमेंड हुआ था। प्राइवेट चैनल पर आज के दिन मॉर्निंग में ये शेयर हुआ था 9:37 के आसपास, 9:37 के आसपास शेयर हो चुका था प्राइवेट चैनल पे कि यहां पे हम कुछ एड ऑन करने की सोच रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए। 4:25 के आसपास बाइंग हुई और उसके बाद किस तरह से तेजी हुई हमारे सामने। 425 से जो बाइंग हुई थी और उसके बाद 458 के आसपास क्लोज हुआ है और उससे भी ऊपर गया था 474 के आसपास, 10% का रिटर्न एक ही दिन में। कांग्रेचुलेशन और प्राइवेट मेंबर्स। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से सही टाइम पर अगर किसी शेयर को पिक कर लिया जाए। टाटा मेटलिक, ये भी हमारे पार्ट हमेशा रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, ब्रेक होते ही बड़ा ही अच्छा मोमेंटम इसमें भी आते हुए दिखाई पड़ सकता है। तो ये तो हमारे रहे टॉप गेनर। वहीं बात करें एलएनटी, ये भी हमारे ये एक ऐसा शेयर है आपके साथ भी शेयर हुआ था टेलीग्राम चैनल पे कि यहां से बड़े ही लंबे समय के बाद अगर रफली बात करूं 7 महीने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया। प्राइवेट चैनल वालों को पहले ही शेयर हो चुका था एंड आपके साथ भी ये हो चुका था कि और अभी भी हम डिस्कस कर ही रहे कि यहां से एक अच्छा अपमूव इसमें आ ही सकता है। ये हमेशा हमारे जो संडे स्पेशल का वीडियो आता है उसका भी पार्ट रहा है, इसलिए आप सभी के साथ डिस्कस हो रहा है। अच्छा मोमेंटम इसमें अभी भी आना बचा हुआ है। नेक्स्ट फोकस करें डॉक्टर लाल। डॉक्टर लाल एक ऐसा शेयर है जिसने गजब का रिटर्न दिया है बड़े ही नीचे के लेवल से। अब इसका इस तरफ जो ध्यान जाएगा हमारा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएगा। इसके आने वाले कल के दिन रिजल्ट और रिजल्ट से पहले बड़े ही खूबसूरत रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, इसलिए यहां से इसको ट्रेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। लॉन्ग टर्म वालों को तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। बात करें कल के दिन जो शेयर आप सभी के साथ डिस्कस हुआ था, सुप्रजित इंजीनियरिंग, एक ऐसा शेयर जो प्राइम फोकस में हमेशा ही रहता है। डिटेल वीडियो भी है इसके ऊपर और प्लस कल के दिन डिस्कस भी हुआ था। कल क्या हुआ, जैसे ही कल के दिन डिस्कस हुआ आज के दिन मॉर्निंग में 7% के आसपास से ऊपर था, यानी एक ही दिन में 7% के रिटर्न दे चुका है। उसके बाद जो क्लोज हुआ है 5% प्लस हुआ है। शॉर्ट टर्म वाले के लिए प्रॉफिट बुकिंग यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज पोटेंशियल तो काफी है ही थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म वालों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। ईआईडी पेरी एक ऐसा शेयर है जो यहां से प्राइम फोकस पे हमारे आ जाना चाहिए, तो इसके ऊपर भी हमारा ध्यान जरूर रहेगा। एंड आज की जो क्लोजिंग है ये 2-1.5% के आसपास की क्लोजिंग है, दिन में थोड़ा सा और भी ऊपर गया था लेकिन यहां से इसमें प्राइम फोकस हो जाना चाहिए।
इन सब के बाद अगर चार्ट को डिस्कस करें तो अगर अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्लस प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, जैसे हमारी कल के दिन बात हुई थी इवनिंग अपडेट में, जो कैंडल बनी थी कल की वो थी तो रेड लेकिन एक बुलिश कैंडल थी, और आज के दिन हमें कुछ कन्फर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां से अगेन हमें एक से दो दिन के अंदर ही हमें फिर से ये लेवल आते दिखाई पड़ सकते हैं, तो इसलिए मार्केट अभी भी बुलिश रह सकता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से आप जानते हैं जब तक इसके ऊपर सस्टेन अच्छे से नहीं होते, टच नहीं सस्टेन नहीं होते, तब तक तो आप जानते हैं कि यहां पे बेचो यहां पे खरीदो यहां बेचो, कुछ इस तरह से मार्केट में भी काम चल रहा है। तो कल का मार्केट भी पॉजिटिव रहने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, लेवल से आप जान चुके हैं हम 800 और 850 के आसपास के लेवल है, अदरवाइज 19 अगर मंडे की बात करें जो 15,900 के आसपास है वहां हम मंडे को टच भी कर सकते हैं। उसके बाद फोकस करें बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी कल के दिन जो कैंडल बनी थी वो बुलिश थी लेकिन उतनी रिकवरी नहीं आई थी जितनी निफ्टी में। ऑलरेडी फाइनेंशियल जो वीक बने हुए हैं बड़े ही लंबे टाइम से अभी भी उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फोकस जो है मार्केट का शिफ्ट कहां हो चुका है हम जानते हैं, इसीलिए हमें सेक्टर रोटेशन हमेशा सही टाइम पे सही चीजें पर पकड़ना होगा। अगर बात करें आज के दिन में जो कैंडल बनी है बुलिश ही बनी है एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास बनी है, यानी रेजिस्टेंस के जस्ट आसपास है। अगर कल के दिन ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो हमें ऊपर के लेवल 35,000 तक के लेवल आते दिखाई पड़ सकते हैं, 35,000 फर्स्ट एंड 35,100 के आसपास के इसके जो होंगे, इसके जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे। एक्चुअल तेजी तभी आएगी जब इसके ऊपर निकल जाएगा। अगर हम बात करें दिस लाइन की, इसकी अगर बात करें 35,100 प्लस इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हमें नीचे ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं जो होंगे, जो ये गैप दिखाई दे रहा है ना हमें 35,000 का, ये हमें लेवल्स आते दिखाई 35,500 तक के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए इसको हम इस हिसाब से प्ले कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।